हेलो गाइस गाइस, आज स्केच पेन से वाटर कलर करेंगे। आप सोच रहे होंगे स्केच पेन से वाटर कलर कैसे हो सकता है। हो सकता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें क्या होगा ना, स्केच पेन को जहाँ पे मुझे ब्लेंड करना है कलर को, वहाँ पे मैं वाटर मिक्स करके ब्लेंड कर सकता हूँ, और साथ में स्केच पेन का जो टेक्चर वगैरह है वो भी डाल सकते हैं, तो उसमें जो इफेक्ट आएगा वो भी एक बढ़िया इफेक्ट आएगा। बहुत ही नया तरीका ड्राइंग बनने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको और कुछ नया सीखने वाला है आप लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग स्केच पेन से टिक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से करना है आपको। इजीली जस्ट स्केच पेन को यूज़ करना है आपको, और जैसे हम लोग पेंसिल से स्केच करते हैं उसी हिसाब से मैं ये ट्री का लीव्स वगैरह बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे अभी मैं वाटर यूज़ करने वाला हूँ। वाटर से क्या होगा, जहाँ पे मैं कलर को ब्लेंड करने वाला हूँ वहाँ पे ये वाटर ईजिली कलर को ब्लेंड करने वाला है। अभी हम नीचे का तरफ थोड़ा डार्क कलर यूज़ करने वाला हूँ मैं। जैसे ये जो डार्क कलर है इसमें थोड़ा टेक्चर भी रखना है आपको, क्योंकि नीचे ट्री का जो लीव्स वगैरह है उसका हर एक पत्ता को अलग अलग दिखाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैं नीचे का तरफ थोड़ा हर एक पत्ता अलग दिखे उसी हिसाब से टेक्चर डाल रहा हूँ। और अभी नीचे वाला कलर के साथ ऊपर वाला कलर ब्लेंड हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला वाटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वाटर किस तरह से आपको कलर को ब्लेंड कर रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया बढ़िया वाला टेक्निक। इस टेक्निक से आप कीजिएगा तो क्या होगा, ट्री का टेक्चर भी निकल के आएगा, साथ में वाटर से आप कलर को ब्लेंड भी कर पाएंगे, तो दोनों चीज़ हो गया एक साथ में। ये टेक्निक मुझे पहले मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा था, इसलिए मैं सोचा इस तरह से करेंगे तो कैसा बनेगा, लेकिन मैंने जब किया, जब रिजल्ट निकल के आया ना, तो मैं तो मतलब इम्प्रेस हो गया। और अभी मैं ये करने से मुझे बहुत ही मज़ा आने आ रहा है, और मैं कुछ दिन से तो खाली यही ड्राइंग कर रहा हूँ। तो ये जो टेक्निक है आप ट्राई कीजिए, सचमुच बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। टेक्चर भी आप दे सकते हैं, साथ में आपको कलर ब्लेंड भी कर सकते हैं आराम से, तो बढ़िया सा एक इफेक्ट आ रहा है ड्राइंग में। आपको सेम टेक्निक रिपीट करना है, बार बार इसी तरह से करना है आपको। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे ब्लेंड करना है वाटर यूज़ कर लीजिए, जहाँ पे आपको थोड़ा टेक्चर रखना है वहाँ पे वाटर यूज़ नहीं करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको, इस तरह से करना है। और फिनिशिंग में जाके आप कुछ कुछ जगह पे डाली वगैरह दिखा दीजिए डार्क कलर से, और लास्ट में आपको ट्री का बॉडी बनाना है। बॉडी का तो कलर आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले येलो ऑकर यूज़ कर लीजिए, फिर ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, फिर ब्लैक यूज़ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कलर को ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वाटर में यूज़ नहीं करूँगा। आप लोग इजीली जस्ट स्केच में से ही बना सकते हैं, ठीक है। देखिए एंड में देखिए रिजल्ट देखिए आप लोग, मैंने बताया था आपको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। आप ट्राई कीजिए, बहुत ही नया टेक्निक है, यूनिक टेक्निक है, अच्छा लगेगा आपको करने में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।